इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कल ना कॉलेज टाइम पे पहुंचना है। 50 बार समझाया था तुझे, मेरी तरफ इधर देख, समझाया था ना, 50 बार बोला है ये गलती मत कर, मेरा दिमाग खराब करके रखा तूने। हेलो का फिर से चालू हो गया, आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझी समझी ना। ये जो इंसान नहीं जानवर है, रोज इसी तरह से दीपा भाभी के साथ मारपीट करता है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं भाई, चल कल कॉलेज में मिलते हैं। चल ठीक है, पैसे दे दियो। हाँ हाँ होश में आइए भाभी, मुझे नहीं जीना। होश में आइए भाभी, आप कायरों की तरह अपनी जान नहीं दे सकती। जिंदगी ना दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। उन लोगों से पूछिए जिन्हें कोई जानलेवा बीमारी हो गई है, वो अपनी हर एक सांस के लिए अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। जिंदगी की असली कीमत उन लोगों से पूछिए। तुम सही कह रहे हो आदम, पर मैं क्या करूं, मेरे पति ने मेरी जिंदगी नरक बना के रखी है, ऐसी हालत कर दी है मेरी कि हर वक्त घबराहट होती है। अरे कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे मेरा कलेजा फट जाएगा। भाभी कहते हैं कि दुख बांटने से ना दिल का बोझ हल्का होता है, अगर आप चाहें तो आप अपने तकलीफें मुझसे बांट सकते हैं। जैसे पहली बार कॉलेज में मिली थी। जय पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था, लेकिन शादी के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बिल्कुल ही बदल गया। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं होती, बल्कि उल्टा छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठता। भाभी आप फिल्में देखती हैं? हाँ। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जिंदगी एक फिल्म की तरह होती है और हर इंसान अपनी फिल्म का हीरो होता है, लेकिन आपके केस में आप तो अपनी फिल्म की हीरोइन हुई। अच्छा, हर फिल्म में एक विलन होता है, अब आपको ना सिर्फ अपनी फिल्म के विलन का डटकर सामना करना है बल्कि उसे धूल भी चटानी है। और याद रखिए ये आपकी फिल्म, तो जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अब आप रोना बंद कीजिए और अपनी फिल्म के विलन को हराने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। थैंक यू सो मच आदेश, सचमुच तुमसे बात करके मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। वैसे भाभी काफी देर हो चुकी है, तुम्हें घर चलना चाहिए। हाँ, मेरा मन कभी भारी हो तो क्या तुमसे बात कर सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ ना। थैंक यू सो मच। ये जय कहाँ गया? मेरी नींद उड़ाकर
वो चैन से सो रहे हैं जय। आदेश ने सही कहा था कि मेरी जिंदगी के विलन तुम ही हो। अब तुम देखना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये क्रेडिट कार्ड जो तुमने मुझे इमरजेंसी के लिए दिया था, अब देखना मैं इसका क्या करती हूँ। तुम्हें दुनिया में पैसों से सबसे ज्यादा प्यार है ना, तो अब उन्हीं पैसों से मैं तुम्हें ऐसा झटका दूंगी जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। अरे वाह, कितना सुंदर पर्स है, और वो भी सिर्फ 50,000 का। हो गया ऑर्डर प्लेस, लेकिन अभी तो सिर्फ 50,000 होंगे और कार्ड में अभी भी 2,00,000 है। गई कार्ड की लिमिट खत्म। जय, कल सुबह तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। दीपा, दीपा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता बना दो चलो। भाड़ में जाओ। तुम भाड़ में जाओ, दिमाग खराब करके रखा है पागल औरत। हेलो। हेलो दीपा भाभी, मैं आदेश बात कर रहा हूँ। आदेश, तुम्हारी आवाज कैसे नहीं पहचानी। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। अच्छा लगता है ये जानकर कि कोई तो है जिसे मेरी परवाह। कल घर जाने के बाद जय ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? जैसा तुमने कहा था, मैं हिम्मत करके हालात का सामना करने की कोशिश कर रही हूँ आदेश। गुड, आप ना इसी तरह से डटे रहिए। ठीक है, रखती हूँ। ओके। I'm sorry, baby. मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूं। मैंने तुम पे हाथ उठाया ना, पर सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं।
ये सब ना सिर्फ कहने की बात है, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम पूरे जानवर बन जाते हो। बेबी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी इन आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा, और इस पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट पति बन के दिखाऊंगा। जय, ये सारी बातें ना ऑलरेडी मैं हजारों बार सुन चुकी हूँ, जाने दो मुझे। पर मुझे पता है कि मेरी जान को कैसे खुश करना है। थैंक यू जय, ये तो बहुत ही सुंदर है। पसंद आया तुम्हें? बहुत। अब मैं इसे तुम्हें पहना कर दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी फौरन अंदर जाओ और तैयार होकर आओ, कहीं बाहर घूमने चलते हैं हम। ठीक है। तुम जाओ, मैं देखता हूं। ठीक। ये किसका है? आपका पार्सल सर। दीपा, क्या हुआ? ये सारा सामान तुमने ऑर्डर किया है? जय, वो एक्चुअली बात ये कि मुझे सिर्फ हाँ ये नाम में जवाब दो, ये सारा सामान तुमने ऑर्डर किया है? हाँ, वो जो कल तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना, उसी गुस्से तुमने जो मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था उसके सारे पैसे ना मैंने शॉपिंग में खर्च कर दिए। और कुछ सुनना है तुम्हें? पागल लहरा तेरी तो। हाथ मत उठाना मुझ पर। सीरी, इतनी हिम्मत मुझ पे हाथ उठाएगी? हाँ, मुझ पे हाथ उठाएगी? ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। सीरी तो शॉपिंग करनी है इन्हें। दीपा भाभी। आदेश, तुम यहाँ? भी मैंने आपकी चीख सुनी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। I'm sorry भाभी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए, मैं चलता हूँ। रुक जाओ आदेश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझे जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, इस बार मैंने जय का डट के सामना किया, लेकिन वो तो मुझे इंसान समझता ही नहीं। भाभी, मैं आपकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकता। I'm sorry भाभी। मुझे भाभी मत कहो, तुम मुझे दीपा बुला सकते हो। सच बताऊं तो कल रात से ही मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही चाहिए।
मुझे लगता है कि I love you, Deepa. I love you too. दीपा, दीपा, ये दीपा कहाँ चली गई? बेडरूम में होगी। यहाँ भी नहीं। जय, तुम कब आए? बस अभी आए। हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई घबराई घबराई नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे अंदर देखो, चलो। एक सेकंड, तुम क्या मुझ पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा भेजा फरा मत करो, चलो हटा थाने से, हटा। अरे लेकिन जय, मुझ पे यूं बेवजह शक करके ना तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी छोटी सोच वाले इंसान हो। बेबी, अब मैं क्या बोलूं? I'm sorry अजय, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता हूं। मैं बहुत गंदा आदमी। बेबी मुझे बस एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। ले जा, तुम ना कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं हो सकती। बहुत मत कर, मुझे माफ कर दो। मैंने बोला ना I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। बंद करो अपना ये नाटक। बेबी, मुझे पता है एक सरप्राइज से ना तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। मुझे पता है, ये देखो मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसे तुमको जितनी मर्जी हो ना उतनी शॉपिंग करो। ये हाथ से तुम्हारा हुआ। तुम्हारा ये प्यार ना ये मेरी कमजोरी है, मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह सकती। I love you, Jay. Thank you. दीपा, मेरा बैग ला के दे दो, लेट हो रहा हूं मैं। थैंक यू, रात में मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। जब जल्दी आ गए। हाँ, थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था। अब बैग दीजिए ना, अब थक गए होंगे। ठंडा पानी पिला दो, एकदम गला सूख रहा। आओ। तो कैसी लगी जगह? अरे एकदम कमाल की जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता और जहाँ जय का भी डर नहीं। इसीलिए तो मैं यहाँ लाई हूँ, क्योंकि घर में तो हमेशा जय के आने का ही डर होता। तो आज तुम भी अपना कमाल दिखा दो। इसके लिए तो मैं हमेशा से बेताब रहता हूँ।
सच्चा सुनो, हम 6 महीनों से इसी छुप छुप के मिल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम जय को हमेशा के लिए छोड़ दो, ताकि हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। दीपा घबराओ मत, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, नौकरी करूँगा, हम अपने प्यार का एक नया आशियाना बसाएं। दीपा, जय, तुम यहाँ? तुम सोच रही होगी कि मुझे तुम्हारे करतूतों के बारे में कैसे पता चला? दरअसल मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पढ़ लिए थे, जिसमें तुम कभी फार्म हाउस, कभी होटल, कभी रिजॉर्ट, इनके कमरे बुक कर रही थी। तभी मैंने तुम पे नजर रखनी स्टार्ट कर दी। और देखो, आज मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब क्या करूं मैं तेरा? बस और तो भी बस चलता है ना तेरा। क्या बोला तू? क्या बोला? जय, क्या बोल रहा था? और नहीं, ये क्या कर रहे हो? जय रुको, तुम दोनों धोखेबाजों के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब मेरा वकील तुझे कॉल करेगा। ओके बेबी। आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो इन पेपर्स पे साइन कर दें, ताकि हम ये मामला कोर्ट के बाहर ही निपटा सकें। मुझे मुआवजे में पूरे 50 लाख चाहिए, और उसके बगैर मैं किसी पेपर में साइन नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। तुम्हारी रंगरलियों का कच्चा चिट्ठा तैयार है मेरे पास, और मैं पूरे जमाने को बताऊंगा कि तुम किस किस्म की औरत हो। मेरे हिसाब से आपको इन पेपर्स में साइन कर देनी चाहिए। दड़बे में नहीं रह सकती। और देश, मुझे पता है ये तुम ही हो। अरे, तुम तो मेरी हार तक पहचानने लगी हो। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। आदेश, मुझे अकेला छोड़। अरे बेबी सुनो, तो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पहले अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। अब अपनी आंखें खोलो। ये क्या? बस एक फूल? दीपा, ये कोई मामूली फूल नहीं है। इस फूल में मेरे जज्बात हैं, जो इस फूल की तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी को महकाना चाहते हैं। दीपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें इस दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता हूँ। बंद करो अपनी ये लच्छेदार बात। तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जय ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में मेरे घर वालों को बता दिया। इसीलिए मम्मी पापा ने मुझे घर से भी निकाल दिया, और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम। आज से और अभी से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। अब खड़े क्या हो यहाँ? जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो। मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती।
जय का प्यार वापस हासिल करने के लिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। दीपा, इस पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ तुमको प्यार किया था, तुमको ही सिर्फ अपना माना था। तुमने मुझे उसका ये सिला थी, कुछ सामान रह गया था वही लेने आई थी। जय, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, कल तक ही सब कुछ मेरा था, ये दीवारें, ये छत और तुम, पर अपनी एक गलती की वजह से मैंने सब कुछ गवा दिया। वैसे मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और तुम्हें शायद जान के खुशी हो कि जब से तुमसे दूर हुई हूँ हर पल पछता रही हूँ और जिंदगी भर पछताती रहूंगी। मैं अभी भी तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू दीपा। आई लव यू टू। जो कुछ भी हुआ वो बुलाकर हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर सकते जी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ दीपा। थैंक यू जय, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। एक इंसान की पहचान उन रिश्तों से होती है जिसे वो अपने लिए चुनता है। जहां एक और सार्थक रिश्ता इंसान को प्रगति और खुशहाली की तरफ ले जाता है, वहीं भावावेश में बनाया गया गलत रिश्ता इंसान की जिंदगी को जहरीला कर देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। और आज हम देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमें यह दर्शाती है कि कैसे गलत और अनैतिक रिश्ते ना सिर्फ इंसान के सुख चैन का नाश कर सकते हैं,
बल्कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। दीपा एक धूर्त महिला थी जो एक ओर तो अपने पति जय को उसके पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी और दूसरी ओर उसने आदेश के साथ भी अनैतिक रिश्ता बना लिया था जो शादीशुदा जिंदगी की ओर गैर जिम्मेदार होने का परिणाम था। उसके स्वच्छंद मन को संतुष्ट करने के लिए खेला जा रहा एक खेल था, लेकिन दीपा द्वारा बुना गया रिश्तों का यह मकर जाल बेहद संगीन जुर्म को आमंत्रण दे चुका था। आइए देखते हैं क्या हुआ। क्या बात, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे आने की खुशी में मैंने क्या क्या किया है मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। चलो मेरे साथ। अरे पर ऐसे क्या? सरप्राइज बाबा, चलो 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 पहुंच गए। एक मिनट घूमने घूमने। सरप्राइज। कितना रोमांटिक है ये सब। तुमने ये सब मेरे लिए किया? तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई है क्या? कोई भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दीपा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बिना मैंने ये दिन कैसे काटे, और मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि अब हमारे बीच कुछ भी बुरा हो। दीपा, हमें इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देनी होगी। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो, और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ आदेश। आदेश, तुम अभी तक उसी के ख्यालों में डूबी हुई हो। अरे जाओ यार, दिमाग खराब करके रखा मेरा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारे माफी के लायक नहीं हूँ, और अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। दीपा, दीपो पागल हो गई हो क्या? मर जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द ही दिया है, और इस दर्द का एक ही इलाज है कि मैं अपनी जान दे दूं। दीपा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद मैं जिंदा रहूंगा क्या? जी, तो फिर क्यों ना हम किसी दूसरे शहर चले जाएं? इतना आसान नहीं है दीपा। और क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आज भी ये बात भुला नहीं पा रहा हूं कि उस दो कौड़ी के लड़के ने तुमको छुआ था। फिर तो हम कभी भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है दीपा,
लेकिन रह रह कर ये बात मेरे दिल और दिमाग को खाए जा रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? हेलो। हेलो आदेश, आदेश प्लीज मुझे बचा लो वरना जय मुझे जान से मार डालेगा। क्या दीपा, तुम अभी इस वक्त कहाँ पर हो? मैं वो जय मुझे शहर से दूर किसी रिजॉर्ट में लेकर आया है और शाम से ही शराब पी रहा है और मुझे मारे जा रहा है। बड़ी मुश्किल से ना मैं बाहर भाग कर आई हूँ वहाँ से। अभी तुम हो कहाँ पर? पुराने घाट के पास एक सुनसान सी जगह है, मैं वहीं छुप कर बैठी हुई हूँ। दीपा दीपा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ यार? दीपा के पति के इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे, मैं उसे लेके आता हूँ, तू अपनी बाइक देगा मुझे? हाँ लेना। दीपा का फोन बंद आ रहा है, कहां ढूंढूं मैं उसे? दीपा 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 बांध के क्यों रखा है? कौन हो तुम लोग? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। चुप हो जा, अभी तुझे पता चल जाएगा। और हमें तो पहचानते हो ना? दीपक दीपा तुम तो वो सब सिर्फ एक झूठ था आदेश, ताकि तुम हमारे जाल में फंस जाओ। हम दोनों को सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो आदेश जिंदा है। उसी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था और मेरा फायदा उठाया था, तो क्यों ना हम हमेशा के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दें। तो मैं इसका उसी दिन कर देना चाहता था जिस दिन मैंने उसको तुम्हारे साथ पहली बार देखा था। खून जलता है मेरा ये सोच सोच कर, दिन रात उस लड़के ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पर तुम सही कह रही हो, हाँ, उसके मरने के बाद ही मुझे सुकून मिल जाएगा। हाँ, उसका मरना अब जरूरी है, उसके बाद ये पक्का हो जाएगा कि वो अब तुम्हारे आसपास नहीं, वो मर गया। हाँ, उसको मारना पड़ेगा और तब जाके मुझे सुकून मिलेगा और मैं तुम्हारे साथ चैन से जी पाऊंगा। ये दोनों काला मुन्ना है, उस आदेश को ठिकाने लगाने में ना यही हमारी मदद करेंगे। क्यों भाई, हो जाएगा ना काम? जी बॉस, हो जाएगा। ठीक, चलिए निकलिए आप लोग। ठीक, चल। तो प्लान क्या? और एक मामूली पतंगे जैसे यहां पे झुलसने आ गया। जय जय मुझे माफ कर दो। दीपा तुम जय को समझाओ ना, जय हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तुमने मेरा बहुत फायदा उठाया आदेश, पर अब बस, अब और नहीं। ये लो जय,
और इस घटिया आदमी से सारा हिसाब चुकता करो। जय, जय, जय नहीं जय, जय मेरी बात सुनो तुम, जय, जय, जय मेरी बात सुनो, जय नहीं, ऐसा मत करो जय, नहीं। जय, जय, बस करो जय, मर गया है वो। दीपा, तुम फौरन टैक्सी पकड़ के यहाँ से निकलो। मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा के आता हूँ। तुम रुको मत यहाँ से। लेकिन जय तुम? तुम जाओ, दीपा, जाओ। मैं आता हूँ। जाओ। उठो उसको। ठीक है बस। जल्दी, 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 जल्दी करो। अंदर डालो, अंदर डालो। हेलो, उठा। हेलो, पुलिस। दिखना नहीं चाहिए। चाप गाड़ी से बाहर निकलो। ये पुलिस कहां से आ गई? अनखड़े। ए, जरा खड़े रहे सीधा। चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। गाड़ी से बाहर निकलो मैंने बोला। मैं तीन तक गिनूंगा। मैं जेल की जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता। एक, दो। जेल जाने से तो अच्छा है कि मैं रात से सुबह हो गई है, ये जय कहाँ रह गया? लगता है जय आ गया। दीपा सोनकर जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या? आपके पति ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग चोरी छुपे लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। हमने मौका वारदात पर रेड मारी तो हमें वहाँ पे तुम्हारा पति मिला। खुद को गिरा देखकर उसने खुदकुशी कर ली। जय के साथियों के बयान के आधार पे मैं तुम्हें आदेश का शव की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। अपने किए गए घृणित जुर्म के लिए दीपा और उसके साथी पुलिस की हिरासत में है और उन पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। आदेश शुरू से ही जानता था कि उसका दीपा से रिश्ता गलत था, अनैतिक था। फिर भी इस रिश्ते को उसने अपनाया और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसीलिए हमें कभी भी रिश्तों की मर्यादा नहीं भंग करनी चाहिए, क्योंकि जहर में कितना भी शहद क्यों ना घोल लें, लेकिन अंततः उसके सेवन से मृत्यु होना निश्चित है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।